बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैंने करेला करेले की बेल लगाई है ज़मीन पे, और इसमें साथ में टिंडा भी है। अभी इसको थोड़ा बारिश का पानी की ज़रूरत है, और अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नन्ना नन्ना करेला बेल पे आना शुरू हो गया है। ये देखिए एकदम छोटा छोटा नन्ना नन्ना करेला, ये देखिए आप, अभी देखिए एकदम छोटा करेला है, ये शुरुआत हो गई आने की। तो ऐसे करके इसमें बहुत ज़्यादा करेला आएगा। इसको ऐसे यहाँ पे तार बंदी करके और पूरा बेल को इसके ऊपर चढ़ा दूंगा तार के ऊपर। फिर ये देखो, ये इसमें ये बहुत ज़्यादा फूल आया हुआ है। देखिए कितना फूल है पूरी बेल के अंदर, और इसमें भी फल आना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको बता रहा था ना, टिंडा लगाया मैंने। देखो ये छोटा छोटा, ये नन्ना नन्ना टिंडा, देखो ये होना स्टार्ट हो रहा है, ये बन रहा है। ये देखो छोटा छोटा, ये देखिए इसमें कितना कितना फूल आ रहा है। इसमें ये टिंडा तोरू लौकी का साथ में मैंने लगाया हुआ है, तो ये थोड़ा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। इसको तारबंदी के ऊपर इसको ऊपर चढ़ाऊंगा ना, तो सब ये सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। करेला टिंडा तो मैंने आपको दिखाया था, शुरुआत हो गया निकलना। और ये भी तोरू की बेल है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम है बेल को। और इसका मैं आपको, ऐसी आपके घर में बेल है इसमें या ऐसी शिकायत है बेल में, ये बीमार है इसमें, ये देखो इसका पत्ता कैसे होता है, ये पत्ता ख़राब हो रहा है इसका। ये देखो, ये छोटा तोरू भी निकला है, लेकिन ये इस तोरू में पीलापन है थोड़ा। और मैं इसका देसी इलाज बताऊंगा आपको, ये बेल एकदम तंदुरुस्त हरी भरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल देने लगेगी। आप इसको देखिए, इसका बीमारी आपको साफ नज़र आएगा। ये देखिए इसका पत्ता इसका पीला कैसे हो रखा है, देखिए। अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं इसकी बीमारी का इलाज बताऊंगा। ये सब देसी दवा बना के रखा हुआ है, इनमें से कैसे कैसे इनको मारना है और मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने गंवार डाला था, तो गंवार में दो प्रकार का होता है, एक तो 60 दिन के अंदर अंदर फूल और फल देने लग जाता है, और एक 90 दिन में देता है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 90 दिन वाला गंवार मैंने डाल दिया था। तो अभी देखो आप, इसमें अभी जाके शुरू हुआ। आप देखो ये फली दिख रही है आपको, गंवार फली, ये दिख रही है आपको गंवार की फली, देखिए आप, ये दिख रही है गंवार की फली, ये अब शुरुआत हुआ इसमें। ये देखिए, ये गंवार फली, ये देखिए, ये इसमें शुरू हुआ है। और अब इसमें 90 दिन यानी 3 महीने में, इसका 3 महीना कंप्लीट हो गया है, तो ये एक आधा पौधा ये फली देने लग गया है। ये देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गंवार को ये लगेगा फल। ये देखो ये साथ में इसमें फूल लगा हुआ ना, ये देखिए वॉयलेट कलर का फूल है और इसके साथ में फली खड़ी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये गंवार फली इसमें होएगी इसमें। ये देखिए आप भी लगाइए, अपने घर पे लगाइए, गंवार लगाइए, लौकी लगाइए, तोरू लगाइए, और आपको विगर खाद का एकदम नेचुरल सामान मिलेगा। फल फ्रूट बाज़ार से लेके आओगे तो उसमें कितना कितना केमिकल देके जल्दी जल्दी इसको तैयार करते हैं, और ये एकदम से नेचुरल है एकदम से।
ये देखिए मेरा फेवरेट है बिच्छू कंट्री। इसमें कितने अच्छे से फूल दिख रहे हैं आपको।